गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास, आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, एडिशन। यानी हम इसमें क्या ऐड करना सीखेंगे, हम इसमें क्या करना सीखेंगे, प्लस करना सीखेंगे। सबसे पहला आपका जो चैप्टर पे फर्स्ट पेज पे लिखा है, इसमें हम काउंट करेंगे और राइट करेंगे, ठीक है। आपका देखो एक इसका नाम क्या है एक्सरसाइज का, काउंट एंड राइट। यानी हम इसको काउंट करेंगे और इसको राइट करेंगे, यानी लिखेंगे, काउंट कर करके लिखेंगे। ये तो हमने अपनी केजी क्लास में भी किया हुआ है, राइट। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखेंगे, 6, काउंट किया और लिखना है। अब ये कितना है, 1 2 3 4 5। अब ये कितने हैं, 5, ठीक है। अब आपने ये काउंट करके लिख लिया 6 और ये लिख लिया 5। अब टोटल कितने हैं, दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं दोबारा काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए, 11। और अगर आपको ऐसे करना है तो आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, 6 प्लस 5 कितने हुए, ये सम्स आपको करवाए हुए हैं ना, ठीक है। तो ये कितने हुए, 11। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको टोटल काउंट करना है, क्योंकि इसमें तो हमारे पास पिक्चर्स हैं, तो हम इसमें काउंट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो, 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट बॉक्स में कितना है, 5, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं, 7। अब ये टोटल कितने हुए, तो सारे आप ऑब्जेक्ट्स गिन लेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हम फोर्थ क्वेश्चन भी करेंगे और फिफ्थ क्वेश्चन भी करेंगे, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। और ये किस में करेंगे, बुक में करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं द नंबर 0। एक बड़ा ही अच्छा नंबर होता है, बड़ा सबसे अलग नंबर होता है 0, ठीक है। जो एक नंबर तो होता है, मगर जब भी आप 0 करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें कुछ भी काउंट नहीं होता। जैसे 4 एप्पल्स में 4 है, 3 एप्पल्स में 3 है, 2 एप्पल्स में 2 है, 1 एप्पल में 1 है, मगर 0 एप्पल में क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 0 में क्या है, कुछ भी नहीं होता। अगर हम किसी भी नंबर में 0 को, क्या होता है कि अगर आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड कर रहे हो, यानी देखो अगर आपके पास 5 चॉकलेट्स है, 5 चॉकलेट्स हैं आपके पास, आपने अपने भाई को या अपनी बहन को एक भी चॉकलेट नहीं दी, तो कितनी रह गई, 5 ही रह गई आपके पास। तो ऐसे ही 0 है, यानी यहाँ पर 5 एप्पल है। जब इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो टोटल कितना हुआ, इतना ही हुआ, इसमें तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ, राइट। कुछ भी हमने इसमें जोड़ा नहीं, तो ये कितने रह गए, 5 के 5 ही रह गए। तो जब भी आप किसी नंबर में 0 प्लस करते हो या 0 माइनस करते हो तो वही नंबर आता है। जैसे 4 में कुछ भी ऐड नहीं किया तो 4 का 4 ही तो रह गया, जब कुछ ऐड ही नहीं हुआ तो 4 ही रह गया। 6 में कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो 6 का क्या रह गया, 6 रह गया, 4 का 4 रह गया। 2 में कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो 2 रह गया। अब 0 था पहले, अब उसमें 3 ऐड कर दिए, यानी एक के पास कुछ भी सामान नहीं था, हमने उसको 3 चीजें दे दी या 3 टॉफीज दे दी, तो टोटल कितनी टॉफीज हो गई, उसके पास एक भी नहीं थी, 3 दे दी तो 3 ही तो हुई, ठीक है। कितनी हुई, 3 ही तो हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं, 5 में से 0 ऐड किया, यानी 5 थी आपके पास चॉकलेट, आपको और एक भी नहीं मिली, आपके पास उतनी है, तो अभी भी कितनी है, 5 की 5 ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ये भी बेटा आपको बुक में करने हैं, ठीक है। ऐसे ऐड करके लिखेंगे हम, ठीक है, ऐड करके लिखेंगे, राइट। अब देखो, ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐड करने के लिए दिए हुए हैं, जो आपके प्राइमर जो आपके बुक है उसमें से भी आपको कराए हुए हैं पहले, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 5 है, 5 में 1 प्लस किया, आपके पास 5 टॉफीज है, आपको एक और दे दी, तो कितनी हो गई, 5 थी, 1 2 3 4 5 थी, अब उसमें एक और हो गई, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, और ये 6, कितनी हो गई, 6, कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। तो ऐसे ऐड करके लिखेंगे, ऐसे पूरा पढ़ के लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब ये 4 है, आप इसको और कैसे कर सकते हैं, 4 ऊपर लिखिए, 1 नीचे लिखिए और प्लस का साइन लगाओ, 4 है, 1 2 3, अगर आप स्टिक से करते हैं तो ऐसे काउंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर स्टिक से नहीं करते तो 4 और 1 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, तो 5, ठीक है, 4 और 1 5, ठीक है। अब देखो, 1 थी चॉकलेट, 1 और आ गई, तो कितनी हो गई, 2, 6 चॉकलेट्स थी, एक और आ गई, तो 7, 6 थी, 1 2 3 4 5, और ये मेरे पास 6 चॉकलेट्स थी। अब किसी ने मेरे को एक और दे दी, यानी ये 5 और ये 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और ये 1 2, कितने हो गए, 5 और 6 और 7, कितने हो गए, 7, ठीक है। ठीक है बेटा, अब देखो, 3 थी मेरे पास, 3 चॉकलेट्स थी, अब किसी ने मेरे को 2 और दे दी, ये भी दे दी और ये भी दे दी, तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5, कितनी हो गई, 5, ठीक है बेटा। ये पूरी एक्सरसाइज जो है आप अपनी बुक में करेंगे, ठीक है, ऐड कर करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है।
कैसे 2+1 कितना हुआ, 3 हुआ, 8+1 कितना हुआ, 9 हुआ, 9+1 कितना हुआ, 10 हुआ, 3+1 कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है। ये आप ऐड करके लिखेंगे, इसमें ऐड करके सारे आपको आंसर्स फिल कर लेने हैं बुक में, सारे आप आंसर्स इसके अंदर भी फिल करेंगे, इसके अंदर भी फिल करेंगे, और आपका यहाँ पर जो काउंट एंड राइट एडिशन का ये भी आपको करना है, ठीक है। अभी बुक में ही करना है आपको, जो कॉपी वर्क दिया जाएगा क्लास में कॉपी वर्क आप तब करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम फर्स्ट वीडियो में इतना ही करेंगे, एडिशन का यहाँ तक आपको फिनिश करना है बुक के अंदर।